अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? दुआ करता हूँ सब खुश रहे, अच्छे से रहे। आज की वीडियो में सैमसंग एंड्रॉयड 13 FRP बाईपास करने वाले हैं। विदाउट पीसी करेंगे। बिल्कुल न्यू ट्रैक है, लेटेस्ट वर्जन। यहाँ पर टैक बैक ऑन करना है तो वो वर्क नहीं कर रहा। टैक बैक ऑन हो चुका है, अब आप देख सकते हैं ये वर्क नहीं कर रहा। इसको आप करना है, यहाँ तक आ जाना है, वाईफाई कनेक्शन तक। यहाँ पे क्लिक करके नीचे जो फोटो का आइकन है इस पर क्लिक करना है। अब पावर की को दबाओ, दोबारा से अब दबाओ। यह चुका, क्रोम अभी तक पूरी तरह से ओपन नहीं हो चुका है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, डाउनलोड डाउनलोड का आइकन है इस पे क्लिक करना है, ओपन करना है। अभी ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हो, जिस वेबसाइट पे जाना है चले जाओ अपने। ये तीन एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लेनी है। सबसे पहले सेटिंग को ओपन करना है, आपको पता भी चल जाएगा कि इसमें एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है। अबाउट पे क्लिक करना है, आप देख सकते हैं ये एंड्रॉयड 13 है, लेटेस्ट पैच लेवल है इसका। एक ये वाला डाउनलोड कर लेना है, ऊपर और नीचे वाला, इस दोनों को डाउनलोड कर लेना है। एक ये वाला, इसको इंस्टॉल कैसे करना है ये आपको दिखाना है। ये ड्राइव 13 में इंस्टॉल नहीं हो रहा है। वीडियो बनाई है वो सिर्फ क्रोम तक थे, अब इसमें मैंने इंस्टॉल किया है एप्लीकेशन को। फाइल शॉर्टकट को भी आपने इंस्टॉल कर लेना है, या पे आपसे सैमसंग अकाउंट मांगेगा। पासवर्ड डाल के साइन इन करना है। एक ही आप आपने एक्टिविटी मैनेजर इसको भी इंस्टॉल कर लेना है।
ऐसे, तो आप देख सकते हैं इंस्टॉल नहीं हो रहा है ऐसे। जितनी भी आप कोशिश करोगे इंस्टॉल नहीं हो रहा। फाइल शॉर्टकट पे चले जाने, यहाँ से भी आप ट्राई करेंगे तो इंस्टॉल नहीं हो रहा। देख सकते हैं आप इंस्टॉल नहीं हो रहा। इसको किस तरह से फिक्स करना है ये वीडियो आज इस पे बनाइए। अब यहाँ पे इस एक्टिविटी मैनेजर पे चले जाना है, सेटिंग सर्च कर लेना है। ये सेटिंग इसको ओपन कर देना है। अब यहाँ से आपने नीचे आना है। ये इसको ढूंढ लेना है, इस पे क्लिक कर देना। दोबारा से उसी को क्लिक करना है, फिर से एक दफा। अब इस दफा ऊपर वाले पे क्लिक करना है दोबारा से। अब देखा जाना है, अब आपने फाइल शॉर्टकट को ओपन कर देना है। अब आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो रही है। सेटिंग पर चले जाना है। यहाँ पे फाइल ढूंढ लेना है। प्रॉब्लम यहाँ पर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको भी फिक्स करने की कोशिश करेंगे।